बाकी तो सारे के सारे भाई बहन जिनका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, आप सब टेंशन भूल जाओ। यहां पे मैं तुम्हें बता रही हूं तुम्हारी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। नो मैटर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या तुम काफी कुछ पढ़ के भी डर के बैठे हुए हो कि यार इतना सारा सिलेबस है एग्जाम कैसे लिख पाएंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। अभी बता रही हूं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मुझे नहीं पता अभी तक तुमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे, कुछ भी नहीं। अब सोच लो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा फिजिकल एजुकेशन का, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करोगे, आखिरी चैप्टर तक एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, फिक्चर बनाने का तरीका समझ में आ जाएगा, एमसीक्यू से लेकर शॉर्ट लॉन्ग पिक्चर बेस क्वेश्चन एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। क्या करना है, स्ट्रेटेजी बना दी है, देख लो, फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो और एक मिनट पिन कमेंट को चेक करो। टाइम टेबल क्रिएट कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, ये टाइम टेबल है, इतने से इतने समय में अगर ऐसे पढ़ लिए कल और आज से अगर शुरू कर दिया आपने, या कल भी अगर आप वीडियो देख रहे हो आखिरी दिन पे अपने पेपर के, तो भी अगर पढ़ लिए एक दिन भी ऐसे, तो पूरी फिजिकल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले आज का देख लो क्या पढ़ना है आज आपको, यहां पे मैं आपको बता रही हूं अभी आप लोगों की, ये देखो यहां पे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल सिलेबस के, तुमने चैप्टर पढ़ रखी है तो भी देख लेना, नहीं पढ़ रखे तो भी देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा पेपर में दिखने लायक वाले क्वेश्चन है। इनका वन शॉट आएगा आपका 7 बजे, इसका वन शॉट लाइव होगा मेरे चैनल पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने आ जाना सारे बच्चे, आपको ये सभी चैप्टरों के सबसे क्वेश्चन जो फेवरेट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के वो इस वीडियो में मिलेंगे। और 9 बजे आएगी आज आपकी फिक्स्चर की वीडियो, फिक्स्चर की टेंशन थी बच्चों को, तो फिक्स्चर हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सुन लो स्ट्रेटेजी क्या है कि पढ़ना कैसे है हम लोगों ने। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे चैनल पे जाना और बैक टू बैक जैसे जैसे मैं दिखा रही हूं उन प्लेलिस्ट से, उन वीडियो से पढ़ना शुरू कर देना। यहां देख लो भाई, सबसे पहले करना क्या है भाई, 10 चैप्टर है हमारे, 10 के 10 इकट्ठे लेके नहीं बैठने हैं कि भाई 10 के 10 इकट्ठे लेके पढ़ने बैठ गए हो, या कभी 5वां चैप्टर पढ़ो, कभी 4था पढ़ो, कभी 6था पढ़ो, कोई सिंक्रोनाइज वे में पढ़ ही नहीं रहे हो, कभी सोच रहे हो 10th किसी ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है पहले ये पढ़ लो, 9 पढ़ लेते हैं खाली, नहीं, एक भी चैप्टर लीव नहीं करेंगे, सारे पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले आपको पढ़ना है 1-5 तक चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स, योगा वाला चैप्टर, CWSN वाला चैप्टर इन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में से भर भर के क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, फिक्स्चर्स भी हो गए साथ में, ठीक है। इसका वन शॉट देखना है, चलो मेरे चैनल पे दिखाती हूँ पहले 5 चैप्टर के लिए आपको क्या करना है। अभी इस वीडियो को एंड करते ही इस वन शॉट पे पहुंच जाना एंड पढ़ना शुरू कर दोगे इस तरीके से, तो लगभग आप मान लो आपका 8 घंटे के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 8 से 6 घंटे के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट अगर आप ऐसे पढ़े हो तो। सो लेट्स सी करना क्या है आपको ये 1-5 चैप्टर्स के लिए, चलो मेरे चैनल देख सकते हो आप। सबसे पहले यहां देखो ये रही है वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल में पिंड कमेंट में टाइम टेबल में दिखा दिया है क्या कैसे कौन सा टाइम में पढ़ना है, ये रही वीडियो फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th वन शॉट, 2 घंटे 50 मिनट की वीडियो है, तुम 1.5x पे करके देखना। इस सेशन के अंदर बैक टू बैक आपके सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, 1st 5 पहले 5 चैप्टर टिप्स पे हो जाएंगे। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट जब वीडियो देख रहे हो तो साथ में कॉपी लेके बैठना है, मेरी जो ये स्लाइड चल रही है उसके नोट्स बनाते रहना, जो मैं बता रही हूं यार ठीक है ये मैनेजमेंट है, ये ऑर्गेनाइजिंग है, ये इंट्रामुरल है, ये है CWSN को इस तरीके से इंक्लूजन कराना है, ये डिफरेंशिएशन है, ये क्लासिफिकेशन है, स्पेशल ओलंपिक अब हुआ, आपका पैरा ओलंपिक इस डेट को हुआ, तो वो साथ साथ में लिखते रहना, फिर लर्निंग करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को। तो फर्स्ट ये वाला वन शॉट देखना है आपको, ये 8 डेज पहले मैंने इसे डाला था, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मेरे तो बहुत सारे भाई बहन ऐसे वन शॉट देखते हैं, सिंगल चैप्टर से ज्यादा आप लोग मेरा वन शॉट प्रेफर करते हो, तो ये आ गया तुम्हारा वन शॉट, ठीक है। ये रहा आप लोगों का वन शॉट, ये सबसे पहले तुम्हें देखना है। ये वन शॉट कवर करने के बाद आपको इसके साथ वाली वीडियो पे आ जाना है, ये 66 PYQs, ये इन 5 चैप्टरों के PYQs है। इस वीडियो के अलावा इन 5 चैप्टरों का कुछ मत पढ़ना, कोई क्वेश्चन मत पढ़ना, सब इसमें कवर हो रहा है। सेकंड वीडियो तुम्हें ये देखनी है, ठीक है, ये दोनों वीडियोस तुम देख लोगे और फिक्स्चर वाली वीडियो जो आज रात को आ रही है, तुम्हारे 5 चैप्टर शुरू वाले पूरे कंप्लीट है उनमें, और तुम्हें कुछ नहीं करना। फिर आधे घंटे का आपको ब्रेक लेना है, ठीक है, आधे घंटे का ब्रेक लेना, उसके बाद आपको आ जाना है अपने 7, 8, 9, 10 चैप्टर्स के ऊपर, जो आपके 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर, बाकी बचे हुए 5 चैप्टर, बाकी बचे हुए 5 चैप्टर का वन शॉट ये रहा, कल ही अपलोड करा था इसको, इस वाली वीडियो को तुम्हें देखना है, बाकी बचे हुए 5 चैप्टर्स तुम्हारे इससे कंप्लीट हो जाएंगे। 2.5 घंटे की वीडियो है, 1.5x पे देखना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। 2x मत करना मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत तेजी से पढ़ाती हूँ तो तुम्हें समझ शायद ना आए, तो 1.5x पे देखना, सेम इस पे करना है, नोट्स वाला रजिस्टर साथ में रखे, हैंड टू हैंड नोट्स बनाते रहने। इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, वो जो आज 7 बजे वीडियो आ रही है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उसमें इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीटेड है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, पहले चैप्टर देखो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, फिर चैप्टर देखने अगले 5, फिर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात रही अब दीदी एमसीक्यू की, तो ये रही आपकी 99 MCQ क्वेश्चन की वीडियो, इसमें मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है, आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं। इससे अगली जो फिक्स्चर की आएगी वो देखनी है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यहां आपका पूरा सिलेबस। आज तुम सो मत गाइस, आज पूरे के पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो आज रात तक, अभी पढ़ने बैठ जाओगे अगर शाम को 7 बजे से भी पढ़ने बैठ रहे हो तो 12-1-2 बजे तक ये सब आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद कल की अगर हम बात करें, लास्ट डे जो हमारा होगा आपका वन शॉट रिवीजन होगा, डिटेल्ड रिवीजन सभी चैप्टर्स का, और शाम को आएंगे हर एक चैप्टर के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है, पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे से। एक बार फिर से दिखा देती हूँ क्या करना है, कैसे करना है, और टाइम टेबल देखो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है इन द पिन्ड कमेंट आल्सो एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो। और जितने भी नोट्स है हर चैप्टर के वो मैंने गूगल ड्राइव पे डाल दिए हैं, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके का हमारा पूरा फ्लो चार्ट में हमें चलना है। सबसे पहले फर्स्ट 5 वर्चर देखिए, उसका वन शॉट देखा, उसके 66 PYQs देखे, फिक्सचर देख लिया, ठीक है। फिर अगला वन शॉट देखा, उसके जो है आपने PYQs देखोगे, फिर लास्ट में MCQ कर लिया। ये तुम इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, ये सारे स्टेप्स तुमने अपने फॉलो कर लिए, ये सब वीडियोस देख लिए, तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तुमने PYQs भी इतने कर लिए, तुमने MCQ भी इतने कर लिए, तुमने फिक्चर भी देख लिया, तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिया, ठीक है। अब लास्ट में फाइनल रिवीजन जो होगा हमारा 11 तारीख को, ये 10 तारीख का प्लान है आपका, आज आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। फाइनल अगर मैं 11 तारीख की आपको बात बताऊं, तो 11 तारीख को आपको खुद से जितनी सेल्फ स्टडी कर सको गाइस, आपको 11 तारीख को सेल्फ स्टडी करनी है। मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप सेल्फ स्टडी करना बैठ के 11 तारीख को। कोई डाउट्स आ रहे रहेंगे चैनल पे कमेंट करते रहना, मैं डाउट क्लियरिंग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब वैसे 11 तारीख को मैंने प्लान करा है आपका एक डिटेल्ड वन शॉट रिवीजन की मैं लाइव क्लास लगा दूंगी, ठीक है। वो लाइव प्रीमियर होगा, जिस जिस बच्चे को रिवीजन करना होगा वो उस वीडियो से आके कर सकते हैं। और शाम को आएगी आपकी फुल सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक और वीडियो, तो उसमें से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो जाएंगे हमारे। दैट्स इट, हो गया हमारे सारे का सारा सिलेबस का तरीका, हमें कैसे पढ़ना है। आज शाम को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, रात को फिक्स्चर की वीडियो, और उसके अलावा तुम अभी से ये पढ़ना अपना शुरू कर ही रहे हो। जल्दी से पढ़ने के जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए इन्हें फॉलो करो, और फिजिकल का सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। और जो मेरे भाई बहन का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो बता दो, दीदी कंप्लीटेड है। और जो रिवीजन कर रहे हैं वो बता दो, हाँ दीदी रिवीजन पे आप मूव कर चुके हो, तो आप रिवीजन भी इसी तरीके से कर लीजिए। तो मैं चलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी फुल सिलेबस।